बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान एक तरफ जहां जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रशासन और अन्य व्यवस्था पर पदाधिकारियों की पैनी नज़र बनी हुई थी, तो वहीं जमुई जिले के कई बूथों पर ईवीएम मशीन की खराबी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जमुई जिले के झाझा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गिद्धौर प्रखंड के केतरुनवादा के 114 बूथ संख्या का ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वोटिंग की शुरुआत 7 बजे से न होकर 8:30 बजे के बाद शुरू हुई। इस वजह से लगभग 1.5 घंटे तक मतदाताओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं मतदाताओं ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच हमें वोट डालने के लिए घंटों कड़कड़ाती धूप में इंतजार करना पड़ा। जमुई से कुमार हर्ष की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव, जिसका सबको इंतजार था, आज कोरोना वैश्विक महामारी में भी ये सफल होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम गिद्धौर प्रखंड के केतरुनवादा से लाइव। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में बिहार के 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर 266 विधानसभा प्रत्याशी के लड़ने की संभावना बताई जा रही थी। जैसा कि आंकड़ा हमारे सामने आ रहा था, आज गिद्धौर प्रखंड के केतरुनवादा में एक ईवीएम मशीन के खराब होने के कारण यहाँ पर लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय पदाधिकारियों को इस बात की सूचना दी जा चुकी है। अब देखना यह है कि कितनी जल्द इस पर अविलंब कार्रवाई की जा सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मतदान बाधित है, अभी तक तो बाधित है, 7 बजे सरकार का नियम था, अभी तक बाधित है। कितनी मशीनें खराब है? मशीन खराब है सर। टाइम कितना हो चुका है अभी? टाइम अभी 1.5 घंटे से बाधित है। केतरुनवादा 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा से मशीन खराब है। 1.5 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं। हम जम्मू से वोट देने के लिए आए हैं। हम नीरज कुमार है, मेटा। आपने प्रशासन को सूचित नहीं किया? जी मैंने किया है, पर इस पर जो है कोई एक्शन नहीं है। और ये पदाधिकारी लोग जो चाह रहे हैं कि जो मतदाता है वो सफर कर जाए, इनको जो है अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका नहीं मिला। क्या नाम हुआ सर आपका? श्रवण कुमार यादव, पूर्व प्रमुख, एक्स प्रमुख गिद्धौर। यहाँ 1 घंटे से लोग कतार में हैं, लेकिन अभी तक मशीन ठीक नहीं हो पाई है 114A का। अच्छा। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के पर्व के लिए लोग जो आए हुए हैं उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। जी। और हमारे पीठासीन पदाधिकारी हमको लगता है कि मुस्तैदी से अपना काम करने में असफल होते प्रतीत हो रहे हैं। पिछला केतरुनवादा में भी देखिए महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा ले रही हैं। तमाम जो मशीन खराब है, देखिए।